देवांग भाई यहाँ से जा रहे हैं अभी, इनकी भी 3 बजे की फ्रांस की बस है, मेरी 3 बजे की बार्सिलोना की। तो मैं फिलहाल आ गया बार्सिलोना एयरपोर्ट पे और अपनी फ्लाइट की तरफ जाने लग रहा हूँ, गेट की तरफ सोफिया बुल्गारिया के लिए। पर जब उन्होंने इंडियन पासपोर्ट देखा तो वो भी बोले आपके पास वीजा है बुल्गारिया का। मैं बोला मेरे पास शेंगेन वीजा, मैं यूरोप आया हूँ। अब मैं फाइनली गेट की तरफ आ गया और ऑलमोस्ट फ्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ। फ्लाइट का टाइम 8:15 था और अभी रात के 9:15 है, अभी जाके बोर्डिंग स्टार्ट हुई है फ्लाइट की। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का रायनेयर के साथ, बताते हैं बहुत सस्ती और थोड़ा लग भी रहा है, मतलब सीट वगैरह प्लास्टिक की ऐसे से है, पैर बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहे जब मैं पीछे होकर बैठा हूँ बिल्कुल। एयरपोर्ट पे जस्ट अभी इमिग्रेशन हो गया और इमिग्रेशन क्रॉस करके आया हूँ। वही हमेशा की तरह इंडियन पासपोर्ट के साथ दो सवाल जवाब होते हैं, वो तो वही सोफिया में बुल्गारिया में भी, और जब भी शेंगेन वीजा था यूएस वीजा था। फिर भी फ्लाइट के बारे में बात करूँ तो फ्लाइट में रिकॉर्ड कर नहीं पाया, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मतलब मेरे को झपकी आ रही थी, सीट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, मतलब बहुत भीड़ी भीड़ी सीटी थी और बहुत छोटी थी। पर मैं कंप्लेन नहीं कर सका क्योंकि बहुत सस्ती फ्लाइट ली थी मैंने, मेरे ख्याल 6,000 रुपये की टिकट थी एक चेक इन बैग के साथ बार्सिलोना से सोफिया की रायनेयर के साथ, काफ़ी सस्ती एयरलाइन है। तो अगर बहुत लंबी आपकी फ़्लाइट नहीं है और आप बहुत ओवरवेट नहीं है, बहुत लंबी नहीं है, छोटी फ्लाइट है तो आप एडजस्ट कर सकते हो, वरना लंबी है तो अवॉइड करो रायनेयर। और अभी बैग की वेट कर रहा हूँ, मेरे पीछे बैग लेके सिटी में पहुँचना है जिधर मेरा हॉस्टल है। और बुल्गारिया जो है वो एक्चुअली यूरोप की सबसे पुअरेस्ट कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, इधर की करेंसी है बुल्गारियन लेव, और एक बुल्गारियन लेव में इंडिया के 40 रुपये होते हैं, यानी कि 1 यूरो में 2 बुल्गारियन लेव हो गए। अभी बैग लेके टैक्सी देखते हैं सिटी तक कैसे पहुँचे। यहाँ पे एटीएम है तो, लेकिन ये यूरो नेट के एटीएम, और यूरोप में आओ तो कभी भी इससे मत निकलवाना, अवॉइड करना, ये बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं यूरो नेट वाले, जगह जगह है यूरोप में। बैग आ गया अपना कस्टम्स के बाहर, एक और एटीएम था और मैंने सोचा कि कुछ पैसे निकाल ही लेता हूँ, यूरो नेट वाले पे तो मैं नहीं डाल रहा एटीएम, एक दूसरा एटीएम है इसमें, इससे करके देखते हैं फीस पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, आई होप उससे तो कमी होगी यूरो नेट से। अब इसमें एक में इंडिया के 40 होते हैं तो 50 बुल्गारियन लेव यानी कि इंडिया के 2,000 रुपये, मेरे ख्याल एक बार इतने ही निकलवा लेते हैं, देखते हैं कितने कटेंगे, अभी मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे साथ ही साथ ही, इन्होंने तो दिखाया नहीं कुछ भी कन्वर्जन या कुछ। कार्ड तो आ गया अपना, पैसे तो दो, ये रे भाई पैसे भी आ गए, अच्छा एक ही नोट है ये भाई, 50 बुल्गारियन लेव यानी कि इंडिया के 2,000 रुपये के करीब। जस्ट अभी मैसेज आया मेरे फ़ोन पे 2,046 रुपये कटे, तो ज़्यादा पैसे तो नहीं कटे, जो कन्वर्जन थी सही उसी हिसाब से कटे, तो लकी रहे अपन इस चीज़ में। थोड़ी सी ठंड है यहाँ पे, लेकिन मैं सर्दियों के या ठंड के कपड़े कुछ भी नहीं लाया, पर देखते हैं कोई नहीं। अभी मेरे को टैक्सी करानी है बाहर निकल के, और बुल्गारिया वैसे तो रिलेटिवली एक सेफ कंट्री है, लेकिन यहाँ पे टैक्सी के स्कैम्स काफ़ी है, मतलब फेक टैक्सीज वगैरह काफ़ी है, और फिजिकली टैक्सी लेते हो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कई बार टैक्सी के स्कैम जहाँ पे हो जाते हैं। तो हर देश में आने से पहले जैसे कि मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर ही लेता हूँ, ऐसे मैंने बुल्गारिया आने से पहले भी कर ली थी, तो मुझे पता चल गया था कि भी एक यहाँ पे डायरेक्टली उधर जाके लेने की बजाय एक ऐप है जिससे मैं बुक कर सकता हूँ टैक्सी में नाम से, तो मैंने वो बार्सिलोना में इंस्टॉल कर ली थी फ्लाइट उड़ने से पहले, ताकि एकदम जाके ऐसे बिचल सा ना जाऊँ कि भी क्या करना है क्या नहीं। तो ऐप है मेरे पास यहाँ से, अब अपन हॉस्टल की टैक्सी बुक करा लेते हैं उसमें, लेकिन प्राइस नहीं दिखा रहा कितना प्राइस होगा, पर ट्रस्टेड ऐप है तो मेरे ख्याल से जो भी जायज़ होगा उस हिसाब से वो काटते होंगे। बैठ के एक बार आराम से टैक्सी करा लेते हैं, टैक्सी होगी है बुक टैक्सी में ऐप से, ड्राइवर बाहर आने लग रहा है एक मिनट में, उसका प्राइस अब बुक होने के बाद दिखा रहा है 16 बुल्गारियन लेव, जो कि इंडिया के 650 रुपये बनते होंगे शायद, तो कोई ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल, 8-10 किलोमीटर का सफ़र है, सस्ती है उस हिसाब से तो यूरोप के कंपेरिजन में तो काफ़ी सस्ती है। लेकिन जो ड्रॉप लोकेशन है ना मेरी, वो इस ऐप में ठीक नहीं दिखा रहा, तो कोई नहीं टैक्सी पहुँचने से पहले थोड़ा बहुत माथा मार लेंगे। यहाँ पे बुल्गारिया में लैंग्वेज की बात करें तो लोग बुल्गारियन बोलते हैं, हालांकि सोवियत यूनियन का पार्ट था 1990 तक बुल्गारियन के बाद, लेकिन यहाँ पे लोग टर्किश बोलते हैं क्योंकि टर्की के साथ इनकी बॉर्डर है। इसके अलावा इंग्लिश और उसके बाद फिर रशियन बोलते हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा बुल्गारियन, फिर टर्किश, रशियन, इंग्लिश बराबर सी है, इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा है शायद। बाहर टैक्सी की टैक्सीज खड़ी है, मैंने मेरे हॉस्टल वालों को भी मैसेज करके पूछा था कि भाई टैक्सी कैसे लूँ मैं, तो उन्होंने भी कहा था कि इन्हें अवॉइड करना है जो बाहर खड़े हैं। अभी बजे है रात के ऑलमोस्ट 2,
पौने दो दो बज चुके, मीठी मीठी ठंड हो रही है। मेरी टैक्सी कौन सी है चल के देखते। इधर एक वैसे पुलिस की कार भी खड़ी है, ये है सोफिया एयरपोर्ट। ये इलांट्रा वाला है शायद मेरा ड्राइवर, ये वाली जो है ये होगी मेरे ख्याल। आ गया मोस्ट में, और जैसा मैंने कहा था कंफ्यूजन होगी वैसे हुई। हाय, सवा दो हो गए रात के एग्जैक्टली, और 860 रुपए कटे। 12 किलोमीटर था पर यार ठीक था, कोई नहीं। अभी हॉस्टल में आऊँ और चेक इन करके सोते हैं जल्दी से, बहुत थका हूँ। जस्ट अभी बॉटल में पानी भरा था और थोड़ा सा केक था मेरे पास, वो खाया सुबह के 3:15 हुए, अब सोऊंगा। वैसे सोफिया डेवलप्ड है जितना मैंने सोचा था, उससे ज्यादा है। आपने सफर देखा हो जैसे एयरपोर्ट से यहाँ तक का, साफ सुथरा और अच्छा था अभी तक का तो इम्प्रेशन मेरा अच्छा है। एक नए दिन में और नए देश में आप सभी का स्वागत है। आज आप कह सकते हो ऑफिशियली मेरा पहला दिन है बुल्गारिया में, इसकी कैपिटल सिटी सोफिया में मैं हूँ। रात को लेट आया था और आते ही तो बस सो गया था। मैं ना पूरी रात बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भी कल सुबह उठूँगा और ये सिटी एक्सप्लोर करूँगा, एक नया देश है मेरे लिए। और फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लगा था मुझे बुल्गारिया का। जैसा मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन की सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, पर उस हिसाब से मेरे को ठीक डेवलप लगी और काफ़ी सस्ती लगी चीज़ें। जैसे एयरपोर्ट से यहाँ तक की मेरी टैक्सी 12-13 किलोमीटर की 850 रुपये की थी। हॉस्टल मेरा सिर्फ 25 यूरो में 2 रात का है, और मेरा प्लान था यहाँ पे काफ़ी दिन रुकने का, 2 रात ही नहीं आगे मेरा काफ़ी दिन प्लान था, क्योंकि मेरी 31 की फ़्लाइट है बर्लिन से न्यूयॉर्क की, और आज तारीख हुई है 24 अगस्त 2022। लेकिन अब प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं आज ही निकल रहा हूँ सोफिया से वापस। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं देश छोड़ के जाना चाहता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा टाइम रुकना चाहता था यहाँ पे। पर दरअसल क्या हुआ कि मेरे को ना एक एनजीओ ने रीच आउट किया यूक्रेन से कि आप यहाँ पे आए एज अ वॉलंटियर, अगर आप आना चाहें तो हम आपको यहाँ पे घुमा सकते दिखा सकते। और मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि 31 तारीख की आज से सही है, 1 हफ्ते बाद मेरे को न्यूयॉर्क जाना है, तो मेरे पास सिर्फ ये 7 दिन है। तो इन 7 दिनों में मैं ये सोफिया भी घूमता, और यूक्रेन जाने की पॉसिबिलिटी है पक्का नहीं है, अगर जा भी पाऊँ तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैंने आज की मेरी फ़्लाइट करा ली है यहाँ से पोलैंड की, क्राको की। क्राको पहुँचूँगा, क्राको से मेरे को जाना है यूक्रेन के बॉर्डर टाउन पर, तो वहाँ से पता नहीं कोई ट्रेन लूँगा बस लूँगा जो भी कुछ होएगा। और मैंने उन्हें कहा कि मैं परसों तक यानी कि 26 की सुबह उस बॉर्डर पे मिलूंगा यूक्रेन की बॉर्डर पे, और अगर आप मुझे पिकअप कर सकते हो तो वहाँ से कर लेना। और 29 या 30 को मैं वापस फिर चला जाऊँगा जर्मनी से, ताकि मैं न्यूयॉर्क की मेरी फ़्लाइट ले सकूँ 31 वाली। अभी पता नहीं आगे क्या होएगा क्या नहीं, ये मैं एक गैम्बल खेल रहा हूँ एक तरह से, अगर क्योंकि एक तो मैंने टिकट ली ऑन द स्पॉट इतनी महंगी, अभी 4 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, 4 भी नहीं 3.5 घंटे बाद, बहुत महंगी मैंने टिकट ली। दूसरी, अगर मेरी एंट्री नहीं हुई तो मैं ना बुल्गारिया घूम पाऊँगा ना मैं सर्बिया घूम पाऊँगा जो मेरे प्लान्स थे, और बस भागा दौड़ी में रह जाऊंगा, पैसे ही बर्बाद और ना कुछ देख पाऊंगा। कोई नहीं, मेरा इंटरेस्ट था जाके वहाँ पे देखने का और आप लोगों को वीडियो दिखाने का, तो ट्राई करके देख लेते हैं क्या जाता है। फिलहाल मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, काफ़ी देर सोया था ना, रात को कुछ डंका खाया था, कुछ भी नहीं खाया कल शाम से ही नहीं खाया, तो भी मैं कुछ यहाँ पे खाता हूँ एक तो सोफिया में, और उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ फिर निकलेंगे अपन। बाकी यूरोप की तरह यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रेड लाइट्स नहीं लगी, पर गाड़ी वाले थोड़ी देर बाद रुक जाते ही है खुद से ही। यहाँ पास में दिखा तो रहा है एक रेस्टोरेंट, तो ये रेस्टोरेंट है और अभी इंग्लिश मेन्यू ला रहे हैं मेरे लिए। दिस इज बुल्गारियन और रशियन, बुल्गारियन ओके परफेक्ट। तो ये सेब्रोसा नाम से इधर एक रेस्टोरेंट था, इधर मैं आया हूँ कुछ खाने, हुम्मस 6.5 बुल्गारियन लेव, एक बुल्गारियन लेव में इंडिया के 40 रुपये होते हैं, तो 6.5 मतलब इंडिया के 250-300 रुपये, कोई बहुत महंगा तो नहीं है, बाकी यूरोप से तो काफ़ी सस्ता है, और ये इधर का मेरे को महंगा ही लग रहा है औरों के मुकाबले, तो उस हिसाब से सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसे मिनरल वाटर इंडिया के 60 रुपये आधा लीटर, सही है, यूरोप में तो वेंडिंग मशीन में इंडिया के 100 रुपये का होता है। तो मैंने ये हुम्मस और ब्रेड मंगाई है, और साथ में एक सैंडविच मंगाया और साथ में एक कैपेचिनो मंगाई है। अच्छा है यार, इन पे अल्कोहलिक बेवरेजेस भी थे, पर मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ भी पीने की, पहले ही बहुत थका हूँ और फ्लाइट भी लेनी आगे। तो भाई ये अपनी कॉफ़ी आ गई और साथ में हुम्मस और ब्रेड आ गई, बढ़िया लग रहा है यार देखने में तो ना, बहुत भूख लग रही है यार, खाता हूँ अब। खाना खा लिया मैंने, जिसका बिल आया था 19 बुल्गारियन लेव, यानी कि इंडिया के लगभग 750 रुपये। अगर मैं इंडिया से आया होता तो मेरे को इतना सस्ता नहीं लगता है ऑब्वियसली, पर क्योंकि वेस्टर्न यूरोप से आया हूँ तो मेरे को काफ़ी सस्ता लगा। 750 रुपये मैंने हम्मस और ब्रेड, एक सैंडविच था काफ़ी बड़ा जो कि मेरे से पूरा खाया भी नहीं गया, एक कॉफ़ी थी और मैंने पानी की बॉटल भी ले ली थी लास्ट में,
तो ये वेस्टर्न यूरोप में कहीं होता तो मैं ये 2000 रुपये आना था इसका बिल। अब मेरे को बुलानी है टैक्सी एयरपोर्ट के लिए, मेरा हॉस्टल सामने है बुरा, तो अंदर जाके बैग उठाता हूँ मेरा और टैक्सी ऑर्डर करता हूँ। तो भाई ये आ गई टैक्सी अपनी, गुड बाय, आई एम गोइंग, थैंक यू, बाय। I'll change my phone. Oh, you can keep it. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much. Have a great day. सोफिया एयरपोर्ट पे आ गए हैं, टैक्सी के बने थे 18 पॉइंट कुछ, तो मैंने उसे 20 ही दे दी क्योंकि वो नोट मेरे वैसे भी यूज़ करना था, आखिरी नोट था मेरा बुल्गेरियन करेंसी का, तो इंडिया के लगभग 800 रुपये दिए मैंने उसे। चलते हैं अंदर। चेक इन कर लिया है और बोर्डिंग पास भी ले लिया है, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि क्राको तक का। इमिग्रेशन पे वो जो लड़की थी उसने पासपोर्ट देखा और स्टैंप देखा, बोली आप आज ही आए हो, मैं बोला नहीं मैं कल आया था, फिर बोली नहीं आप आज आए हो, फिर मेरे आधे अच्छा 12 बजे के बाद लैंड हुआ था, तो आज की ही स्टैंप थी मेरी रात के 1 बजे की, और फ्लाइट मेरी डिले हो गई है घंटा भी, रात के 8 बजे, अंधेरा भी नहीं हुआ, और तो मैं बोला हाँ मैं रात को आया था 1 बजे, तो बोली एक दिन भी पूरा क्यों नहीं आया आप, रुकते यहाँ बुल्गेरिया आए थे, तो मतलब काफ़ी स्वीट थी जो लड़की इमिग्रेशन पर थी। बस फिर उसने स्टैम्प मारी और अब मैं आ गया बोर्डिंग गेट पे, फ्लाइट बोर्ड करके पहुँचूंगा पेरिस रात को। रात को पेरिस में ले ओवर है 7-8 घंटे का, पता नहीं 8 घंटे का, तो पेरिस एयरपोर्ट पर आराम करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से अगली फ्लाइट है एम्स्टरडैम की और एम्स्टरडैम से है क्राको की, तो कल सुबह यानी कि थर्सडे मॉर्निंग 25 अगस्त को मैं पहुंचूंगा क्राको। इन 2 दिनों में इतना ज़्यादा ट्रैवल हो गया ना बिना रेस्ट करे, और मेरी बॉडी को रेस्ट की अब ज़रूरत है मुझे ऐसा लग रहा है, पर कोई नहीं एक बार पुश करना है, क्या पता अपने आउटकम्स काफ़ी अच्छे हो, तो एक बार धक्का करके कर ही लेते हैं। पेरिस CDG एयरपोर्ट पे आ गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है फ्लाइट इधर, और मैं तीसरी बारी आया हूँ इस एयरपोर्ट पे एक्चुअली, और इमिग्रेशन पे तो आज जाना नहीं है क्योंकि ट्रांसफ़र है अपना 7-7.5 घंटे बाद है अगली फ्लाइट, तो इतना ही है एयरपोर्ट पे रहना है। इधर गेट्स लिख रखे और पर पता नहीं इधर लॉन्च है या नहीं सोने का, नेट पर तो दिखा रहा था एक है इधर फ्री लॉन्च होने का, ढूंढते हैं चल के कोई जगह हो तो। इमिग्रेशन तो मेरे पीछे रहेगी पर इमिग्रेशन पे अपने को जाना नहीं है क्योंकि बाहर तो निकलना नहीं, और बैग भी मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा सीधा पोलैंड में क्राको में ही मिलेगा। सुनसान से यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, टर्मिनल गेट्स, चलो ऊपर एस्केलेटर जा रही, ऊपर चलते एक बार। यहाँ पे तो मेट्रो खड़ी है यार, मेट्रो से कहाँ जाए। मेरी अगली फ्लाइट ना सुबह टर्मिनल 2F से है, तो उधर ही चल के ढूंढते हैं कुछ। जस्ट अभी एक भाई था उससे मैंने पूछा भाई क्या इलाज है, लॉन्च खुला है, बोला लॉन्च तो बंद हो गया इस टाइम पे, सुबह 5 बजे खुलेगा। मैं बोला अब क्या करूँ, यहीं ज़मीन पे सो जाऊँ, बोला है तो होटल कर लो या चेयर पे सो जाना, क्या इलाज है। होटल करने का तो कोई तुक नहीं है, वही बात है, होटल जाऊँगा आऊँगा और सोने का तो वहाँ टाइम मिलेगा ही नहीं, लगभग 7 घंटे बाद आएगी फ्लाइट है, तो अपन कुर्सी पे या ज़मीन पे सो जाएंगे कोई नहीं। एक तो ना मैं एक ही बैग लाया था अब की बार, वो मैंने चेक इन कर दिया, तो ये लैपटॉप पानी की बोतल और एक ये स्लिंग बैग और स्वेटर, इसमें पावर बैंक चार्जर वगैरह सब साथ लेके घूम रहा हूँ हाथ में पकड़ के। सोने की थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, कुछ ही टेबल्स है, फिर आगे का रास्ता बन जाए टर्मिनल 2F का, तो किसी चेयर पे जो भी कोई खाली मिलती है उस पर सो जाएंगे या नीचे सो जाएंगे। बाकी मेरे को अकेले ट्रैवल करने का यही सबसे ज़्यादा सुख लगता है, मैं या तो लड़कों में ट्रैवल कर रहा होता है अकेले, तो ये सुख है कहीं भी जगह मिले वहीं पे सो जाओ। फैमिली के साथ होता है या अपनी वाइफ बच्चों गर्लफ्रेंड किसी के साथ होता तो होटल लो परेशान हो, ये सबसे ज़्यादा आज़ादी मेरे को फील होती है अकेले ट्रैवल करने की। चलो चलते हैं, ये बाहर का इलाका है, यहाँ देखते हैं कहीं जगह। कुर्सियों पे तो इनने ये हैंडल से लगा रखे हैं ताकि लेट ना सको, पर जुगाड़ मैंने बना लिया है।
पूरा तो मैं आता नहीं उस पर, लेकिन पीछे खंबा है तो बैठ के सो जाएंगे इस पर, सिर लगा के सिराना हो गया अपना। सुबह मिलते हैं, वक्त हो गया सुबह करीब 6 बजे, बहुत अच्छी नींद तो नहीं आई पर उठ गया और अब बोर्डिंग करते हैं एक बार फ्लाइट की। इमिग्रेशन दोबारा हुआ है, स्टैंप कराइए पासपोर्ट पे और सिक्योरिटी चेक भी हो गया। रात को ना मेरे को भूख लग रही थी तो मैं सोचा कोई वेंडिंग मशीन या कुछ ढूंढ लूँ खाना खाने के लिए, पर ये सारे गेट्स बंद थे, मतलब रास्ता था ही नहीं, ना कोई इंसान था, कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान हो गया था एयरपोर्ट रात को। बस हम जो उधर 4-5 लोग सो रहे थे बस वही थे, कोई था ही नहीं, ना कुछ मिला खाने को, ना कोई गेट खुला था। मेरी फ्लाइट का गेट है F32, तो उस तरफ चलते हैं बना के। और ये रहा F32 और 6:35 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी, फिर अभी 6:34 हो गए, यानी कि बस हो रही है स्टार्ट 1 मिनट के अंदर। एम्स्टरडैम लैंड हो गया और यहाँ से करीब 35-40 मिनट बाद ही अगली फ्लाइट है, तो गेट B16 पे जाना है और अगली फ्लाइट लेनी है क्राको की, जल्दी से पहुँचते हैं। ये है एम्स्टरडैम का एयरपोर्ट नीदरलैंड्स, टर्मिनल 1 पे अभी हम, और टर्मिनल 1 के ही गेट B16 पे जाना है अपने को। किस तरफ है, उधर है, वो रहा। मैंने लाइफ में कभी इतनी जल्दी 2 फ्लाइट चेंज नहीं करी जितनी जल्दी आज करने वाला हूँ अभी। जस्ट इन टाइम अपन, बोर्डिंग जस्ट स्टार्ट ही हुई है शायद अभी। तो ये है क्राको सिटी बाहर से। क्राको सिटी में मैं दूसरी बार आया हूँ आज, पर इनके एयरपोर्ट पे पहली बार आया हूँ। पिछली बार मैंने लैंड से एंट्री करी थी, चेक रिपब्लिक से आया था मैं, पोलैंड। तो वक्त हुआ है 2:15 और फ्लाइट तो मेरी लैंड हो गई थी 11:15 और 2 बजे मेरी बस थी यहाँ से शमाशुल एक टाउन की जो कि यूक्रेन की बॉर्डर के पास में। वो बस मैं बोर्ड नहीं कर पाया 2 बजे वाली, रीज़न क्या था कि मेरा जो बैग था वो एयरलाइन वाले लेके ही नहीं आए। मतलब मेरी फ़्लाइट थी सोफिया बुल्गारिया से पेरिस फ्रांस, वहाँ से थी एम्स्टरडैम नीदरलैंड और वहाँ से ये थी क्राको पोलैंड की, और मेरा बैग एयरलाइन वाले लाना ही भूल गया, पता नहीं जो भी इनका रीज़न हुआ। KLM और एयर फ्रांस के साथ मैं फ्लाई कर रहा था, या मैंने लॉस्ट लगेज में आके इनको बोला तो बोले कि आपका बैग अब आएगा 4 बजे एम्स्टरडैम से, जो अगली फ्लाइट आएगी उसके थ्रू। तो मैं बोला मेरी तो बस थी 2 बजे की यहाँ से, मेरे को आगे जाना था, तो ये बोले कि हम ना डायरेक्टली आपको उसी जगह पहुँचा देंगे जिधर आपको रुकना था, आप हमें एड्रेस दे दो। पर मेरे को इन पर भरोसा सा नहीं था, क्योंकि जब मैं आया तो मेरे साथ तो इन ये भेज नहीं पाए। अब मैं पहुंच गया किसी कोने में बॉर्डर के पास, एक टाउन है गांव सा, उधर कैसे भिजवा देंगे रात तक, कह रहे थे हम रात तक ही भिजवा देंगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट ही कर लेता हूँ 4 बजे तक की, और अभी 2:15 हो गए, बस मैंने मिस कर दी। और उधर मैंने होटल भी बुक करा रखा था एक गेस्ट हाउस था उस शमाशुल टाउन में। फिर अब मैंने क्या करा, मजबूरी में एक नई ट्रेन बुक करा ली शाम के 6 बजे की क्राको से शमाशुल की। क्राको सिटी में पिछली बार मैं था 28 से 29 दिसंबर 2021, और उसके बाद मैं अब आया हूँ। फिलहाल थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो जिसमें मैं मेरा सफ़र दिखाऊँगा यहाँ से यूक्रेन तक का, अगर जा पाया तो, उसके लिए आप अगली वीडियो देख सकते हो, और इस वीडियो को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई यार, इन 2-3 दिनों में इतनी ज़्यादा चीज़ें होने लग रही है ना, एकदम से इतनी फ्लाइट्स लेना, एकदम से प्लान बनना, बैग रह जाना, पता नहीं क्या क्या होने लग रहा है। और कोई नहीं, चलो उम्मीद करता हूँ आप ये एफर्ट्स अप्रिशिएट करेंगे जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं था यूरोप में बिल्कुल वीडियोस बनाने का, आगे बनाने का था, सिर्फ यूरोप में मैं सोचा था खुद ट्रैवल करूँगा वीडियोस नहीं बनाऊँगा, पर आप लोगों ने इतना बोला वीडियोस बनाओ तो मैंने डिसाइड करा चलो बना ही लेता हूँ। इसलिए फिर मैं सारा रिकॉर्ड भी करता आ रहा था, जब बहुत टायरिंग हो जाता है एकदम से जिंदगी। उम्मीद करता हूँ पसंद करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, गुड बाय एंड टेक केयर।